जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी 30 अगस्त की है। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन हम भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, उनसे निवेदन करते हैं कि प्रभु हमारी यह मनोकामना पूरी हो। कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है उनके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं, भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है, पुत्र धन सुख समृद्धि सब कुछ प्राप्त होता है। आज मैं आपको 4 ऐसे उपाय बताऊंगा, अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। यह उपाय करते समय पूरे विश्वास रखना है आपको और साथ ही गुप्त रूप से ये उपाय करने हैं, इनके बारे में कभी किसी को नहीं बताना है। कृष्ण जन्माष्टमी का जो दिन है यह बहुत बड़ा दिन होता है। इस दिन सभी देवता भूमि पर विराजमान रहते हैं, पृथ्वी लोक में ही रहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के जन्म उत्सव का आनंद लेते हैं और साथ ही इस दिन हम उपाय करते हैं तो हमें आशीर्वाद भी उनका मिलता है, साथ ही माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। तो जिस प्रकार से मैं उपाय बताऊंगा उसी प्रकार से आपको करने हैं, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी। जिन दंपत्ति को पुत्र प्राप्ति में परेशानी आ रही है, संतान प्राप्ति नहीं हुई है, तो उनको इस दिन भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप की यानी लड्डू गोपाल जी की मूर्ति ला करके घर में रखनी है और उनको स्नान कराना है सुबह के समय। फिर उनके सामने हाथ जोड़ करके निवेदन करना है, हाथ में जल लेकर के संकल्प करना है कि पति पत्नी दोनों हम प्रभु आपकी आराधना कर रहे हैं, आपकी पूजा कर रहे हैं, आप हमारी पुत्र की मनोकामना पूरी करें। ऐसे आपको भगवान के सामने संकल्प बोलना है, अपना नाम उच्चारण करना है, गोत्र उच्चारण करना है, उसके बाद में आपको संतान गोपाल मंत्र का जाप करना है। सबसे पहली बात यह है कि आज के दिन जितना ऊर्जा उतना संतान गोपाल मंत्र का जाप करेंगे। नंबर 2, एक पान का पत्ता लें, उस पत्ते पर श्री लिखना है आपको, उस पत्ते पर एक गोमती चक्र और एक पीली कौड़ी रख देनी है, 2 लौंग रख देनी है, थोड़े से चावल और 1 रुपए का सिक्का। यह सारा सामान आपको उस पत्ते पर रख करके और यह आपको भगवान श्री कृष्ण के सामने रख देना है। जब आप संतान गोपाल मंत्र का जाप कर रहे हो उस समय यह सामान सामने ही रखा रहेगा। संतान गोपाल मंत्र का जाप करते समय आप भगवान के सामने फल मक्खन मिश्री और गाय का दूध जरूर रखेंगे। संतान गोपाल मंत्र का जाप आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, जितना भी आपके बस की है उतना करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा और जन्माष्टमी वाले दिन जितना ज़्यादा जाप करेंगे उतना ही फायदा है। नंबर 3, सबसे पहला आपको संतान गोपाल जाप करना है, दूसरा पान के पत्ते का उपाय करना है, तीसरा आपको उपाय करना है कि आपको खीर बनानी है, खीर बनानी है सवा के चावल की और उसमें केसर डालनी है, यह इसका भगवान को भोग लगाना है आपको। साथ ही आपको 2 फल यानी खीरे के भगवान के सामने अर्पण कर देने हैं और केला, खीरा और केला, अमरूद भी आप चढ़ा सकते हैं लेकिन खीरा केले का ज़्यादा महत्व होता है, ये चीज़ें आप भगवान के सामने अर्पण कर दें माखन मिश्री के साथ में। खीरा और केला रात के 12 बजे जब भगवान का जन्म उत्सव होगा उस समय तक वो रखे रहने देना। फिर जब आप भगवान का भोग लगाएंगे पंचामृत से स्नान कराने के बाद में तब आपको उस प्रसाद का भोग लगाना है और उसको ही सेवन करना है आपको, विशेष महत्व है। जिनको भी धन की प्रॉब्लम है या घर में कोई परेशानी रहती है या नौकरी नहीं लग पा रही तो उनको भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर के भगवान को एक पीला वस्त्र अर्पण करना है, साथ ही केसर डालकर के पीली मिठाई भी भगवान को अर्पण करके आए। 5 पीस पीली मिठाई के लेकर के बड़ वृक्ष के नीचे या पीपल वृक्ष के नीचे चढ़ा करके आए और परिक्रमा लगाएं साथ दीपक जला करके। अगला उपाय है तुलसी के पत्तों का। जब आप संतान गोपाल मंत्र का जाप कर रहे हो तो उस समय आपको 11 तुलसी के पत्ते अपने सामने रख लेने हैं। अब आपको संतान गोपाल मंत्र बोलते जाना है और एक एक पत्ता भगवान को अर्पण करते जाना है, ऐसा करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। तुलसी पूजन, कृष्ण जन्माष्टमी वाले दिन तुलसी पूजन का विशेष महत्व है।
माता तुलसी के सामने आपको दीपक जलाना है और वहाँ पर आपको एक स्वास्तक चिन्ह भी बनाना है। साथ ही घर के अंदर भी स्वास्तक चिन्ह बनाने हैं आपको पीले चंदन से, यानी पीला जो चंदन होता है उससे। यह है संतान गोपाल मंत्र है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस मंत्र को लिख करके रख लें और इसी मंत्र का आपको ज़्यादा से ज़्यादा जाप करना है। अगर आपकी सरकारी नौकरी में परेशानी आ रही है, धन प्राप्ति में परेशानी आ रही है या आपके कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, तो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमः इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए भगवान के सामने दीपक जला करके। इस दिन सोमवार भी है तो आपको भगवान शिव का पूजन भी करना है। भगवान शिव को आप 7 बेलपत्र अर्पण करें, ओम नमः शिवाय लिख करके। भगवान शिव की पूजा करने से भगवान कृष्ण जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, तो आप भगवान कृष्ण के साथ साथ में भगवान शिव का पूजन भी इस दिन करेंगे। अगर आपने व्रत रखा है या नहीं रखा है जन्माष्टमी का, लेकिन आप भगवान शिव का पूजन जरूर करना है, जिस प्रकार से आपने श्रावण मास में भगवान शिव का पूजन किया था, अवश्य ही आपकी मनोकामना पूरी होगी और भगवान शिव को आपको भस्मी अर्पण करनी है। साथ ही धतूरे का फल मिल जाता है तो वह भी आप अर्पण कर सकते हैं, विशेष महत्व है इसका। आपकी मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। कृष्ण जन्माष्टमी की रात को 12 बजे आपको पंचामृत, गाय का दूध, गाय का घी, दही, शक्कर, घृत, ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। शहद, पांचों चीज़ें आप मिक्स करके आपको भगवान को स्नान कराना है। भगवान को स्नान कराने के बाद में फिर उनको आसन पर विराजमान करना है। उसके बाद में आपको संभव हो सके तो श्री कृष्ण जन्म की कथा भी जरूर सुने, श्री कृष्ण जन्म की कथा सुने और भगवान को भोग में आप धनिये की पंजीरी और सिंगाड़े के आटे की पंजीरी बना करके भगवान को अर्पण करें। साथ ही खीरा, केला, दूध, मक्खन, तुलसी पत्र, ये चीज़ें अर्पण करें। जब आप भगवान को भोग लगा दें तो फिर आप भी इन्हीं चीज़ों को खा करके अपना व्रत खोलेंगे। तो जन्माष्टमी वाले दिन यह उपाय आपको करने हैं। साथ ही आपको इस दिन गौ माता का पूजन भी करना है। रोटी और गुड़ ले जाएं, हरी घास ले जाएं और यह गौ माता को खिलाएं। पीला चंदन भगवान को अर्पण करें केसर डाल करके। बंसरी भगवान को अर्पण करें, मोर पंख भगवान को अर्पण करें, आपकी मनोकामना जरूर पूरी होगी।